तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी ने द केरल स्टोरी फिल्म देख ही ली होगी। विवादों से घिरा फिल्म कहीं किसी स्टेट में बैन है तो कहीं टैक्स फ्री है। शालिनी, गीतांजलि, नीमा और उन जैसे हजारों लाखों लड़कियों के साथ हुई सत्य घटनाओं को केंद्र में रखी हुई यह फिल्म बहुत भयावह है। यह फिल्म डराती है। जी हाँ, आप सही समझे, यह फिल्म डराती है, क्योंकि जो हालात आज एक आम मिडिल क्लास फैमिली वालों के, आज जो हालात हर घर में बेटी बहन को झेलना पड़ता है, उनकी बच्चियों के भविष्य को लेकर डर लगता है। यह फिल्म डराती है, तो डर लगता है और डर तो स्वाभाविक है ना। फिल्म का निर्देशन, कहानी और पटकथा कसी हुई है एकदम। अगर मैं एक एक कलाकार की बात करूं, अपना किरदार बखूबी निभाया हो, भले ही वो मासूमियत वाला हो या कपट या क्रूरता से भरपूर हो, लेकिन अदाकारी कलाकारी सबकी बखूबी है। सबने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है। फिल्म के दृश्य आपको अंदर तक झकझोर देंगे, चाहे वो अफगानिस्तान के हिंदुकुश में घर में फातिमा की एंट्री देखा होगा तो समझ सकते हैं, एंट्री के समय किस तरीके से बकरा हलाल करना हो या गर्भवती स्त्री के साथ बलात्कार करना, हर सीन झकझोर कर रखता है। यह तो एक फिल्म है, इसकी वास्तविकता का अंदाज़ा कर सकते हैं आप। यहाँ जरूरी बात यह है कि फिल्म में बहुत ही बेहतरीन तरह से हर चीज़ को फिल्माया गया है, दिखाया गया है किस तरह से हमारी बच्चियों पर पहले दिन से नज़र रखी जाती है, टारगेट किया जाता है, शुरू से लेकर डे वन से कैसे उनको विक्टिम बनाया जाता है, उन्हें अपने धर्म में शर्मिंदगी और गैर धर्म में बेहतरी दिखाई जाती है, कैसे उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, जिसके लिए एक पूरा सिस्टम काम कर रहा। जैसे आपने देखा कैसे हॉस्टल के कमरे में तीन लड़कियों के बीच में जानबूझकर एक अलग समुदाय की लड़की को प्लॉट करना। दोस्तों मैं बार बार कहूंगी, यह फिल्म एक आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ है, किसी भी मजहब का इससे आहत नहीं पहुंचना चाहिए। अभिनय की बात करूं अगर मैं फिर से, तो मुझे लगता है अदा शर्मा ने शालिनी उन्नीकृष्णन उर्फ फातिमा बा के किरदार को जिया है और ये उनका अभी तक एज अ व्यूअर उनका सर्वश्रेष्ठ अभिनय कह सकती हूँ। और बाकी कलाकारों ने भी उम्दा प्रदर्शन किया है, जबरदस्त प्रदर्शन किया है। पर अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो सबसे अधिक प्रभावित किया है मुझे एक आसिफा का किरदार निभाने वाली सोनिया बालानी ने, क्योंकि वो नफरत और क्रूरता उनके चेहरे पर दिखी। आप देखिए क्या अभिनय है, कुछ सीन बेहतरीन बन गए हैं। मैं उदाहरण के तौर पे अगर कहूं तो जैसे एक मॉल में एजेंडा के तहत हिंदू लड़कियों से बदतमीजी करना, कपड़े फाड़ना उनके साथ और सिर्फ उन्हीं को टारगेट करना, और हिजाब में सेफ रहने का मतलब समझाना, अल्लाह ही एक प्रोटेक्टर है उसके अलावा कोई नहीं है, लिपस्टिक लगाने पर हाथ काटना, क्रिश्चियन लड़की के अलावा हिंदू लड़कियों का ही हिजाब पहन के घर जाना, ये सब जबरदस्त। ब्रेन वॉश के बाद दोस्तों हिंदू लड़की गीतांजलि उर्फ अनीसा का हार्ट अटैक के बाद बीमार पड़े पिता से मिलने हिजाब पहनकर अस्पताल जाना, जिन्होंने देखा है उसको वो रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे किस तरीके से वो अस्पताल जाती है। और जो अल्लाह को नहीं मानता, जो अल्लाह का बिलीवर नहीं है वो काफिर है कहकर अपने जन्मदाता अपने पिता के सर पर थूकना झकझोरती है। डायलॉग्स अच्छे हैं, अगर आपको याद होगा तो मजाक में उस वक्त फनी लगा होगा, जैसे ISIS के खिलाफ में शरिया के कानून में फोन और मोबाइल इस्तेमाल करना गुनाह है, उसमें डायलॉग है कि जब यह कानून बना था मोबाइल तो था ही नहीं, बाप काफिर है उस पे थूको लेकिन उसकी दौलत उसकी संपत्ति ले लो क्योंकि उस पे तुम्हारा हक है, वो तुम्हारा अधिकार है। ये डायलॉग आलमगीर जो काम अधूरा छोड़ गए हैं वो काम अब हमें करने का मौका मिला है, ये डायलॉग। और सबसे सबसे भावुक
अंत में जो इस पूरे फिल्म को एक अच्छा संदेश देता है, जब अंत में जेल में एक बच्ची द्वारा उस बुर्का और हिजाब का जलाती है। यहाँ एक बात है दोस्तों जो मैं कहना चाहती हूँ कि फिल्म में एक सीन है जब कपड़े फटने के बाद लड़कियाँ सहम जाती हैं, डर जाती हैं और आसिफा उन्हें इस्लाम की तरफ आने के लिए प्रोत्साहित करती है, आने को कहती है और कहती है जो भगवान पर भरोसा रखता है, जो भगवान का बिलीवर है उसके साथ यही होता है, क्योंकि वो भगवान जो अपनी बीवी अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया वो तुम्हें क्या बचा पाएगा। भगवान कुछ नाम है राम जैसा, तुम्हारे राम कृष्ण है ना, शिव है ना, उनको नीचा दिखाना इस तरीके से बोलकर कि जो अपने खुद का रक्षा नहीं कर सकता वो तुम्हारा कैसे रक्षा करेगा। उसके जवाब में हिंदू लड़कियों का चुप्पी साधना, खामोश बैठना, ये दर्शाता है। फिल्म के तरह तरह के लोगों ने तरह तरह का संदेश ढूंढ निकाला है और हमने जो ढूंढा है वो कुछ संदेश है, वो कि आज के समय में केवल बच्चों का ही नहीं बल्कि माता पिता का भी संस्कारी होना आवश्यक है। और अगर बेटियों को सच बताया जाए, प्रेम और प्रेम जाल का फर्क बताया जाए, तो इनकी तबाह जिंदगी, इनकी तबाह होती हुई जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए फुल स्टॉप लग सकता है, ये बच सकती हैं। अब आते हैं दोस्तों फिल्म पर आई प्रतिक्रिया पे, ये जानना भी जरूरी है और इस प्रतिक्रिया के बाद वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक संदेश देने वाली हूँ मैं फिल्म में सारी बेटियों के लिए, अपने देश की बेटियों के लिए और माता पिता के लिए। दोस्तों पोस्ट में कहा गया था कि लिबरल गैंग इस बार वो गलती नहीं करना चाहता जो वो कश्मीर फाइल्स के वक्त में कर चुका है, वो फिल्म में हुए चोट को सह चुका है, इसलिए अब लिबरल गैंग दोबारा वो चोट नहीं खाना चाहता, वो खुलकर एकदम सपाट होकर इसका विरोध कर रहा है। इसे और इस फिल्म को, जिसे मैं फिल्म कहूं लेकिन ये फिल्म, हालांकि ये सिनेमा घरों में है तो हम इसे फिल्म ही कहेंगे, लेकिन ये सच है, एक हकीकत है, एक सत्य है, लेकिन उसे वो झूठ बता रहे हैं। उसे आज किसी अभिव्यक्ति की आजादी की फिक्र नहीं है, उसे फिक्र है तो अपने नकाब उतर जाने की, अपनी झूठ से पर्दा हटने की। उसका डर है तो सिर्फ ये कि अगर लव जिहाद खत्म हो गया, अगर हिंदू लड़कियां, हिंदू परिवार जो हमारे विक्टिम है, जो हमारे शिकार है, वो सजग हो गए तो प्रेम जाल में फंसकर लड़कियों का सीरिया और ISIS जाना बंद हो जाता है, तो फिर अरबी करतूतों पर चुप्पी साधने के लिए फंडिंग कहाँ से आएगा, क्योंकि रोजी रोटी तो इनका वहीं से आता है ना दोस्तों। मैं नाम नहीं लूंगी आज, आप खुद जान रहे हैं कि कैसे फिल्म विश्लेषण के नाम पर इसे अधूरा सच और सांप्रदायिक सद्भाव और हमला बताया जा रहा है, कैसे कैसे बड़े मीडिया हाउस इसे हजम नहीं कर पा रहे हैं, ये पूरे तरीके से प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है, ये बताया जा रहा है। हमारे ओवैसी साहब ने तो इस फिल्म का नाम लिए बिना इसे गंदी फिल्म कह दिया। गंदी फिल्म किसे कहते हैं हम बखूबी जानते हैं मियाँ। मीडिया और लिबरल तो फिर भी छोटी मछली है, कितना भी चाहे खुद से बड़े सच को नहीं निगल सकती, ये बात वो भी जानती। इसलिए आतंकी संगठनों ने राज्य सरकार तक को इस काम में लगा दिया है। अब राज्य सरकार अपने अधिकार का दुरुपयोग करके कई राज्य सरकार में, पूरे राज्य में इस फिल्म को बैन कर, जैसे आपने देखा किस तरीके से हमारी ममता दीदी ने कलकत्ता में, पूरे बंगाल में इस फिल्म को बैन कर दिया। बैन करने के पीछे वजह ये बता रही है कि इससे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है। कर्नाटक में ये फिल्म बैन हो गया, कल बंगाल में दुर्गा पूजा से लॉ एंड ऑर्डर का खतरा हो जाएगा, वो भी बंद हो जाएगा क्या? ना ममता दीदी, ना, सरासर गलत है। आखिर में उन सभी सनातनी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद जो अपनी कड़ी मेहनत से कमाए गए पैसे का सदुपयोग सनातन के खिलाफ होते सॉफ्ट हमले को हर हिंदू तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनको साधुवाद। जैसा कि मैंने आपको कहा था दोस्तों, जी हाँ, और एक बात, मैं उनकी ही बात कर रही हूँ जो अपने
पैसे से अपने आसपास के हिंदुओं के ये फिल्म दिखा रहे हैं। जो कई ऐसे एनजीओ हैं जो अपने पैसे खर्च कर अपने पैसों पर टिकट करा के बहुत लोगों को ये फिल्म दिखा रहे हैं। आपका ये योगदान अतुल्य है। सनातन के आप सच्चे प्रहरी हैं और आपने अगर ये ठाना है देश का हर हिंदू इसे देखेगा तो हमें इस पर पूरा भरोसा है कि आप इसे करके रहे और करके दिखाएं। और आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आपने सच में सिद्ध कर दिया कि हिंदू जाग गए, जाग रहे हैं, नहीं बोलूंगी दोस्तों। और अंत में संदेश हमारे देश की बेटियों और बहनों के लिए और माता पिताओं के लिए, यह फिल्म जिस तरीके से समाज में जागरूकता ला रहा है वो एक अलग है, लेकिन इस तरह की बातें भी बार बार उठ रही है। नंबर पॉइंट वन, जैसे हमने कहा कि अपने परिवारों को, अपने माँ बाप को भी होना चाहिए कि वो संस्कारी बने और अपने जनरेशन को, अपने बच्चों को एक अच्छे संदेश दें, संस्कार सिखाएं और अपने कल्चर पे। लेकिन वहीं पे हमारे कुछ सेक्युलर बच्चियां हैं जो कि इस तरह की बातें कहते भी सुन रही हैं कि ये तो माता पिता की गलती है। अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तुम्हारे माता पिता ने नहीं सिखाया, हमारी गलती नहीं है, हम जान ही नहीं पाए क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें बताया ही नहीं। जब यूट्यूब पे पाकिस्तानी सीरीज देखती हैं, नेटफ्लिक्स पे, ओटीटी पे हर फिल्में देखी जाती हैं, वो फिल्में जो कभी माता पिता ने यूज़ करना सिखाया नहीं, टिंडर जैसे वेबसाइट पे और ऐसे कई ऐसे वेबसाइट डेटिंग ऐप पे आप चैटिंग करते हैं, गलत हरकतें करते हैं, डेटिंग ऐप यूज़ करके मिलने जाते, वो सारी चीज़ें कभी भी माता पिता ने नहीं सिखाया। एक हिंदू को चाहे उसका माता पिता घर में दीपावली मनाए ना मनाए, लेकिन ये मैसेज मिल जाता है, आप ये जान जाते हो कि होली में पानी की बर्बादी है, पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये पता चल जाता है आपको, ये जान जाते हो आप, लेकिन होली मनाते कैसे हैं, हिंदू में होली त्यौहार भी होता है, ये नहीं जान पाए क्योंकि ये माता पिता ने नहीं बताया। दीपावली में पटाखे फोड़ने से प्रदूषण होता है, आप ये नहीं जान पाते क्योंकि आपके माता पिता ने नहीं बताया आपको अपने कल्चर के बारे में, लेकिन दीपावली में पटाखे फोड़ने से प्रदूषण होता है ये जान जाते हो। वहीं नए साल पे पटाखे फोड़ना अच्छा लगता है, उसमें माता पिता क्या बताते हैं आपको? तो इस तरह का संदेश भी सिर्फ माता पिता को कोसना एक गलत है। तो कृपया करके मैं आपसे निवेदन करूंगी कि अपने बड़ों का, अपने माता पिता का आदर करें, सम्मान करें, और आप इतने अब सहज हो चुके हैं कि आप खुद हमारे शास्त्र वेद के बारे में जानकारी ले, पढ़े और अपने प्रियजनों के, अपने बड़ों जनों का अनादर ना करें। जय हिंद, वंदे मातरम।